बस 7 करेंगे अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 कोई नंबर है लेट्स सपोज जैसे ये n कोई नंबर है और ये 12 से पूरा डिवाइड हो जाता है बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट बी डिविजिबल तो बाकी और कौन नंबर होंगे जिनसे ये n नंबर पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा तो देखिए 12 जो है किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर रहा है तो बाकी जो नंबर होंगे ना जो इस नंबर को पूरा डिवाइड कर देंगे वो होंगे 12 के फैक्टर्स एग्जाम्पल से देखिए लेट सपोज नंबर है आपके पास 24, 24 को 12 पूरा डिवाइड कर देता है 12, टू 24 ट्वेंटी आ गया अब 12 के फैक्टर्स होते हैं वन टू थ्री फोर सिक्स और ट्वेल्व तो ये जो वन टू थ्री फोर सिक्स है ना इन सबसे भी ये ट्वेंटी फोर पूरा डिवाइड हो जाएगा चेक करके देख लीजिए ट्वेंटी फोर को वन से डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी फोर ही आएगा आंसर में और यहाँ पे ट्वेंटी फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर आएगा और ट्वेंटी फोर को थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री एट 24 ट्वेंटी फोर आएगा और ट्वेंटी फोर को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो सिक्स फोर ज़ार ट्वेंटी फोर आएगा तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर किसी गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा तो उसके जो फैक्टर्स है ना वो उनसे भी पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यहां पे 12 के फैक्टर्स ये सारे हैं वन टू थ्री फोर सिक्स और 12 से तो ये हो ही रहा है हमसे पूछा है कि और किस किस से ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारा आंसर है वन टू थ्री फोर सिक्स तो ये इसका आंसर है वन टू थ्री फोर और सिक्स अगर कोई नंबर ट्वेल्व से पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 12 के फैक्टर से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और 12 के फैक्टर्स बाकी के मैंने ये लिख दिए बस क्वेश्चन खत्म फिर इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय